क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैंने इसमें बैंक का बैलेंस ले लिया है, करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, क्लोजिंग भी ले लिया। करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट एक बार देख लेंगे यहाँ पे। तो करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, ये दोनों बैलेंस बैंक के हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये ओपनिंग वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दीजिए, क्लोजिंग वाले क्लोजिंग बैलेंस शीट में। करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, ये आपके दो बैलेंस क्लोजिंग वाले में डाल दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब एक बार आप नीचे जो पॉइंट दे रखे हैं वो ध्यान से पढ़ेंगे। असेट्स दे रखे हैं 1 अप्रैल 2012 को, यानी ओपनिंग वाले असेट्स हैं। बिल्डिंग कितनी थी? 20,000। गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10,000। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ 1,800। एक रिजर्व फंड भी था स्टार्टिंग में 3,500 का। तो पहले ये दिखाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो बिल्डिंग दे रखी है 20,000 की, तो बिल्डिंग दिखाएंगे। तो बिल्डिंग 20,000। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट दे रखा है हमें इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रखी है 10,000 की। उसके बाद दे रखा है स्टॉक ऑफ फूड स्टफ। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ ये भी दिखाएंगे। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ दे रखा है इसके अंदर हमें 1,800। और रिजर्व फंड वो हम दिखाएंगे लायबिलिटी में, बुक में आप देखते रहेंगे। रिजर्व फंड लायबिलिटी में ये दे रखा है स्टार्टिंग में 3,500 का। अब इसमें से कौन कौन सा बैलेंस आगे जाएगा देखिए, जो रिजर्व फंड है आपका वो भी आगे जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। रिजर्व फंड दे रखा 3,500 का। उसके बाद बिल्डिंग भी आगे जाएगी। बिल्डिंग कितनी दे रखी? 20,000 की। इसको भी आगे लेके जाएंगे बिल्डिंग को। बिल्डिंग अंदर लिखना 20,000। बिल्डिंग के बाद आगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये भी आगे जाएगी असेट्स में। गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रखी है आपको यहाँ पे 10,000 की। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, वो आगे नहीं जाएगा। उसका ओपनिंग स्टॉक अलग होता है, क्लोजिंग स्टॉक अलग होता है। जो कंज्यूमर गुड्स होती है ना उनका ओपनिंग अलग होता है, जिसको हम ऐड करते हैं। क्लोजिंग अलग होता है। क्लोजिंग आपको नीचे दे रखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा स्टॉक ऑफ फूड स्टफ एट द क्लोज ऑफ द ईयर, वो दे रखा है आपका 1,500 दे रखा है। तो क्लोजिंग स्टॉक अभी ये दिखाएंगे यहाँ पे, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ। तो क्लोजिंग दे रखा है हमें कितना दे रखा है? ये दे रखा है हमें 1,500 दे रखा है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या होता है? लेस होता है। किसके अंदर लेस होगा? इसके लिए आपको जो आइटम ढूंढनी है वो बाय में ढूंढनी है। देखो सबसे पहले आइटम ही आपके पास आ रही, देखो ये आया हुआ है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, फूड स्टफ परचेज्ड। फूड स्टफ क्या आया हुआ है? परचेज आया हुआ है। तो इसी के अंदर आपने इस पॉइंट को करना है। तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि पेमेंट साइड में आपने उसको ढूंढना है, और टू में लिख के तब आपने ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग। इसके लिए ये नहीं करना कि आप ये देख लो कहीं फूड स्टफ सेल देख के उसके अंदर कर दो ये पॉइंट, वो मत करना। आपने बाय में जाना है, वहाँ पे मिलेगी आइटम, वहाँ पे उसको लेके टू में जाना है। टू फूड स्टफ यहाँ लिखेंगे, टू फूड स्टफ जो बैलेंस दे रखा हमें वो दे रखा है इसके अंदर, हमें दे रखा है इसमें 8,000 दे रखा है। तो ओपनिंग स्टॉक तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे फूड स्टफ का। ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 1,800, और क्लोजिंग स्टॉक हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 1,500 दे रखा है, तो 8,300 आ जाएगा। 8,300 क्या आएगा? 00। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक लेस, तो ये हमारा आ जाएगा फूड स्टॉक 8,300 आपका यहाँ निकल के आ जाएगा, ठीक है। कौन साइड में आएगा? एक्सपेंडिचर वाली साइड में आप इसको शो करेंगे। आप उसके बाद आगे चलते हैं। एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन, एरियर होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। लास्ट ईयर का 900 दे रखा है, और आपका फोर करंट ईयर का दे रखा है 1,300 दे रखा है। तो एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो इसको दिखाएंगे हम। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, क्या दे रखा है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ओपनिंग वाला लास्ट ईयर बैलेंस शीट में, तो ये हमें दे रखा है लास्ट ईयर का, दे रखा है 900 दे रखा है। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है? लेस होती है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, वो हमें दे रखा है इसके अंदर, ये दे रखा है 1,300 दे रखा है। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस होती है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होती है। अब आ जाते हैं इस पॉइंट को, कर लेते हैं यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं हम, यहाँ पे ले रहे हैं 12,500 दे रखी है, लेकिन इसके अंदर कुछ पॉइंट दे रखा है। देखिए एक बार यहाँ पे कि जो सब्सक्रिप्शन दे रखी है 12,500 दे रखी है, इसमें 800 आपका 11-12 का था,
ग्यारह बारह वाला ईयर कौन सा, लास्ट ईयर का। जैसे लास्ट ईयर कोई 900 थी ना, लेकिन उसमें से केवल 800 रिसीव्ड है। 800 क्या है, रिसीव्ड है। तो इसके साथ आप रिसीव्ड लिख लेंगे जो ऊपर आप बैलेंस शीट में, कि रिसीव्ड हमारा कितना है, 800 है। तो जब हम लेस करेंगे, तो आपको बताया था इसमें वो लेस होती है जो रिसीव्ड होती है। जैसे रिसीव्ड कितनी है, 800, तो वो आप इसमें से लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना लेस करेंगे, इसमें से 800 लेस करना, क्योंकि 800 ही आई हुई, तो 800 ही लेस होगी। और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है, ऐड होती है। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग अब आपको ये देखना पड़ेगा, ये आपका 100 जो बचा हुआ है वो आगे उसमें इंक्लूड है या नहीं है। तो उसके साथ एक बार देख लेते हैं, जो आपको सब्सक्रिप्शन दे रखी थी ना, एरियर सब्सक्रिप्शन 4 लिखा हो, देखो 4 12 13 कितना दे रखा, 34 अगर आ जाए तो मैंने क्या कहा था, इसमें ऐड नहीं है, यानी ये हमारी करंट ईयर ही। आपने क्या करना है, इसके अंदर 1300 है आपकी करंट ईयर की है, तो इसको करंट ईयर ही आप यहाँ पे ऐड करेंगे, 1300 यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 13,000 आ जाएगा। और जो बाकी 100 बच गया, उसको आप इसके साथ और प्लस कर देंगे, 1300 आपका ये और 100 साथ में प्लस करेंगे लास्ट ईयर का, या टोटल मिला के हम कितना दिखाएंगे, 1400 दिखा के चलेंगे। कितना दिखाएंगे, 1400। तो ये धीरे धीरे करंट ईयर हो गया, आपका लास्ट ईयर हो गया। लेकिन अगर इसके साथ 4 की जगह एज ऑन लिखा होता, एज ऑन 12 13 1300 दिया होता, फिर आपका इसमें ऐड नहीं मानते, ठीक है। फिर समझ क्या, उसमें जुड़ा हुआ था, फिर हम इसमें जो कितना जुड़ा हुआ था 100, तो हम कितना लेते, फिर 1200 इसके अंदर ऐड करते, कितना ऐड करते हैं, 1200, ये ध्यान रखना। लेकिन अब 4 लिखा हो तो करंट ईयर, पूरे का पूरा ऐड कर देना। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट दे रखा है कि बाय लॉ क्लब प्रोवाइड कर रहा है एंट्रेंस फीस का 50%, और 10% किसका, सरप्लस का, वो आपने ना रिजर्व फंड में डालना है। रिजर्व फंड यानी लाइबिलिटी में डालना है। एक तो एंट्रेंस फीस का 50%, वो तो आप कर ही दो अभी। जैसे एंट्रेंस फीस आपकी 2000 दे रखी है, इसका हाफ करो, यानी 50% करो, यानी हाफ तो आप यहाँ लिखोगे इनकम में, इनकम में आती है ना, और हाफ आप रिजर्व फंड में क्या करोगे, ऐड कर दोगे। यहाँ पे एंट्रेंस फीस हाफ यहाँ ऐड कर दीजिए, 1000, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ 4500। और ये कहता है 10% किसका, सरप्लस का। लेकिन सरप्लस जब आएगा तभी तो करोगे ना, अभी सरप्लस तो आया नहीं। सरप्लस तो कब आएगा, जब ये पूरा आपका बन जाएगा, फिर आपका सरप्लस निकलेगा, उसको जब आप कैपिटल फंड में लेके जाओगे, वहाँ पे आपने उसका पार्ट करना है। वहाँ आपने क्या करना है, 10% तो इसके अंदर ऐड कर देना, बाकी कैपिटल फंड में ऐड कर देना। यानी जब तक सरप्लस नहीं आएगा, उस पॉइंट को नहीं कर सकते आप। 10% जो आपने किसका करना है, सरप्लस का, वो आपने कहाँ डालना है, रिजर्व फंड डाल। वैसे को सरप्लस सारा लाइबिलिटी में जाता है, बस वहाँ जाके दो पार्ट बना देंगे, 10% तो रिजर्व फंड में ऐड कर देंगे, बाकी कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब एक बार पॉइंट शुरू कर लेते हैं, बाय वाले टू में, टू वाले बाय में, ये पहला पॉइंट मैं ले चुका हूँ। उसके बाद क्रोकरी परचेज, ये क्रोकरी असेट्स होता है जी। क्रोकरी क्या होता है, असेट्स पहले भी बताया था, फिर क्रोकरी आ रही है, तो क्रोकरी को आप असेट्स में दिखा दीजिए करंट ईयर बैलेंस शीट में। तो क्रोकरी असेट्स है, क्या दिखाएंगे, तो क्रोकरी हमें दे रखी है इसके अंदर, कितनी दे रखी है, 3000 की दे रखी है। फिर आगे बुक्स हैं, बुक्स भी असेट्स में आती हैं, बुक्स हमें गिवन है और दे रखी है, 2000 की दे रखी है, ये भी असेट्स में दिखाना। क्रोकरी बुक्स में दिखा चुका हूँ, ये क्रोकरी हो गई, बुक्स हो गई। उससे उसके बाद क्या आएगा, न्यूज़पेपर, तो ये एक्सपेंडिचर पे पढ़ लेता हूँ। न्यूज़पेपर भी दिखाऊंगा एक्सपेंडिचर में, सैलरी भी दिखाऊंगा, जनरल एक्सपेंसिस भी दिखाऊंगा, ऑडिट फीस भी दिखाऊंगा, सब एक्सपेंडिचर है, सब टू में डाल दीजिए, टू न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद क्या लेंगे हम, टू सैलरीज, उसके बाद टू जनरल एक्सपेंसिस, उसके बाद टू ऑडिट फीस, सब एक्सपेंसिस हैं। न्यूज़पेपर हमें दे रखा है इसके अंदर 1200 का, सैलरीज दे रखी है 11,000 की, उसके बाद जनरल एक्सपेंसिस दे रखे हैं 1200 के, उसके बाद ऑडिट फीस दे रखी है 800 की, ये आप दिखा दीजिए यहाँ पे। अब टू वाले में कहाँ दिखाएंगे, बाय में। तो बाय में मैं एक बार पहले कर लेता हूँ, इंटरेस्ट आपका आएगा बाय में, ये तो आपका सब्सक्रिप्शन हमें कराई दिए, बाय प्रॉफिट और एंटरटेनमेंट भी बाय में आएगा, बाय रिफ्रेशमेंट शिफ्ट भी बाय में आएगा, इंटरेस्ट फीस का मैं बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। ये डाल देता हूँ बाय में, एक तो बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें दे रखा है इसके अंदर 600 दे रखा है। इंटरेस्ट के बाद क्या लेंगे, बाय प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, ये हमें दे रखा है इसमें 1500 दे रखा है। उसके बाद बाय रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट, ये दे रखे हैं हमें 12,000 दे रखी है। एंट्रेंस फीस तो आप ले चुके पहले आपका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, अब आप क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। यहाँ से क्या निकलता है, कैपिटल फंड, पहले इसका टोटल कर लेंगे। टोटल हमारा बन जाता है 3,540, यहाँ भी लेंगे 3,540,
इसमें से लेस करेंगे तो कैपिटल फंड आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल फंड आ जाएगा 31900। फिर कैपिटल फंड को आगे ले जाएंगे यहाँ पे 31900, इसका टोटल करेंगे यहाँ पे, टोटल करेंगे तो ये हमारा यहाँ से आएगा आपका ये निकल के आएगा, जैसे टोटल करेंगे 281000 आ गया, यहाँ डालेंगे 13000 आ गया। उसके बाद आप चेक करें 1500 आया हुआ है, उसके बाद 12000 आया हुआ है, उसके बाद 1000 है और 600 भी है इसमें, तो 281000, तो यहाँ भी क्या लेंगे 281000, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा टू सरप्लस, सरप्लस हमारा आएगा यहाँ पे, वो आएगा आपका यहाँ पे निकल के 6600 आएगा। अब आपने क्या करना है, सरप्लस पहले पूरा यहाँ दिखा देना, यहाँ कुछ चेंज नहीं करना। अब आप आगे जब सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड करते हो ना, तो आप क्या करना 6600 का ना 10% कर लेना, ये बनेगा 660, 660 तो आप ऊपर जोड़ देना इसके अंदर रिजर्व फंड में, सरप्लस 660 मैंने जोड़ दिया तो ये आएगा 5160, और बाकी जो बचेगा 660 घटाकर इसमें से वो बचेगा 5940, वो आप कैपिटल फंड में क्या करेंगे ऐड करेंगे सरप्लस 5940। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ पे निकल के आएगा हमारे पास 37840 आ जाएगा। फिर इसका ओवरऑल टोटल कर देंगे तो टोटल आपका मैच होना चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं, बिल्डिंग वही वैसी की वैसी दिखा दो 20000 की, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कोई चेंज नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10000 का 10000 दिखा दो, तो टोटल करेंगे टोटल हमारा बन जाता है इसका, या तो 43000 आएगा, यहाँ करोगे तो भी कितना आ रहा है 43000 आपका टोटल आएगा। ये क्वेश्चन था 27, और इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ा हुआ था वो करा रहा हूँ पहले, वो क्वेश्चन एक बार देखेंगे आप। 17 क्वेश्चन निकालना, ये क्वेश्चन हमारा रह गया था, ये आपका नहीं हुआ था, तो एक बार इस क्वेश्चन को करा रहे 17 को, तो 17 क्वेश्चन एक बार देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले कैश का बैलेंस आपका 4900 है, ये डालेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, कैश का एंड वाला बैलेंस दे रखा है 32130, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालेंगे 32130, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, ये वो नीचे पढ़ना शुरू करेंगे। 1/4/18 ओपनिंग डेट है, क्लब के पास लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी 40000 की, लैंड एंड बिल्डिंग दिखाएंगे 40000, इसको आगे भी ले जाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग को यहाँ पे 40000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद फिर आगे फर्नीचर कितने का था 10500 का, इसको भी दिखाएंगे फर्नीचर को भी यहाँ पे, फर्नीचर 10500 इसको भी आगे ले जाएंगे, फर्नीचर को 10500। फर्नीचर के बाद कहता है इसी डेट को 150 आपके लाइव मेंबर थे, सेम डेट की बात कर रहा है, जो लाइव मेंबर होते हैं जो लाइव मेंबरशिप फीस देते हैं, तो उन्होंने अपनी सब्सक्रिप फीस दे दी थी 100 रुपीज़ के हिसाब से, तो आप क्या करना 150 को ना 100 से मल्टीप्लाई करना, तो 15000 कौन सी फीस बनेगी, लाइव मेंबरशिप फीस बनेगी। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ दिखाना है लाइबिलिटी में लाइव मेंबरशिप फीस ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो ये हमारी बनेगी लाइव मेंबरशिप फीस कितनी बन जाएगी 15000 बन जाएगी, इसको यहाँ भी लेना और आगे भी लेके जाना है यहाँ पे लाइव मेंबरशिप फीस। फिफ्टीन थाउजेंड लेंगे, और कोई नई फीस आएगी तो इसके अंदर क्या कर देना ऐड कर देना, ठीक है। और एक कार भी दे रखी है, बुक वैल्यू कार की कितनी दे रखी है 25000, ये भी दोनों तरफ दिखाओगे, कार यहाँ भी दिखानी है, कार 25000 की और कार यहाँ भी दिखाओगे, कार कितनी दिखाओगे 25000 की कार दिखा देना, ठीक है। कार भी असेट्स होता है ना, कार भी क्या होता है असेट्स, ये ध्यान में रखना। उसके बाद आगे चलते हैं, सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर की है और आपकी करंट ईयर की है, 3000 30400 है और एक आपको दे रखे 2000 है, तो इसको दिखाते हैं आप असेट्स में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर की दे रखी है, इसके अंदर हमें 3400 लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस होती है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की जो दे रखी है वो हमें दे रखी है, इसके अंदर हमें वो दे रखी 2000 दे रखी, करंट ईयर आपकी आउटस्टैंडिंग क्या होती है ऐड होती है, तो सब्सक्रिप्शन के अंदर ये पॉइंट करेंगे, तो इनकम में बाय सब्सक्रिप्शन दिखा दीजिए,
सब्सक्रिप्शन हमें दे रखी है, इसके अंदर अगर चेक करो तो आपका ये दिया हुआ है 5210। लेकिन इसके साथ क्या लिखा हुआ है इसमें ना, 800 आपकी कौन सी ईयर की है, मार्च 31, 2020 की। देखिए जो इंक्लूड वाले आइटम होती है ना, या तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग होगी या करंट एडवांस होगा, तो डेट से पता लगेगा 31/3/20 है, ये आपका 31 मार्च 19 है, यानी करंट ईयर एडवांस है। कितना एडवांस आया हुआ करंट ईयर का, 800। एक तो आप इसको इधर दिखा देंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, करंट ईयर बैलेंस शीट में कितना दे रखा है, 800 दे रखा है। तो करंट ईयर एडवांस, एक तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस होती है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होती है, लास्ट ईयर एडवांस भी आपका लेस होता है। तो किसके अंदर करेंगे, सब्सक्रिप्शन के अंदर 5210 दे रखी है यहाँ पे, तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, लेस करेंगे 3400। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग दे रखी है 2000, और लास्ट ईयर एडवांस भी लेस करेंगे, करंट ईयर एडवांस, लास्ट ईयर एडवांस, करंट ईयर एडवांस कितना दे रखा है, 800। तो ये हमारा पास जो पॉइंट फिगर आ जाएगी आपके पास, वो आएगी 4990, 4990। और इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है सिमिलरली सेम ऐसे ही, एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जो इस पॉइंट की बात कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है ना, ये भी देखो सब्सक्रिप्शन वाली तरफ है ना आपका ये, तो इसका भी अगर आउटस्टैंडिंग हुआ तो असेट्स में जाएगा। कहता है कि ऐसे इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट ड्यू, मतलब आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग में भी था आपका, कितने का था, 800 का, और एंड में कितने का था, 1000 का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका इधर आएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ये, असेट्स में डालना। लास्ट ईयर का दे रखा है हमें इसमें 800, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस होती है, और करंट ईयर का जो इंटरेस्ट दे रखा है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करंट ईयर का दे रखा है हमें कितना दे रखा है, 1000, ये हमारा ऐड होता है। और इसके लिए आप क्या करना, बाय में आ जाना, यहाँ पे बाय इंटरेस्ट उठा लेना, बाय इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट यहाँ से उठाओगे, ये दे रखा है इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, 4800 दिया हुआ है, तो 4800 आप ये ले लेंगे यहाँ पे, तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग हमारा क्या होता है, लेस होता है इंटरेस्ट, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग आपका 800, 4000 हो जाएगा, और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड होता है, करंट ईयर आपका 1000 हो गया, तो टोटल हम कितना दिखाएंगे, 5000 दिखा देंगे यहाँ पे। और इसी के साथ एक पॉइंट और दे रखा है कि जो इन्वेस्टमेंट थी ना हमारे, कितने की थी, 40000 की थी, याद है अभी पीछे क्वेश्चन मैंने कहा था रेट दे रखी थी, रेट से हम इन्वेस्टमेंट निकालते थे, जिसको मैं दोनों बैलेंस शीटों में दिखाता था, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, तो वही चीज़ है, देखो इंटरेस्ट आया हुआ ना, और इन्वेस्टमेंट आपकी कितने की, 40 की है, अब इन्वेस्टमेंट के बिना इंटरेस्ट कैसे आ गए, तो इसको दोनों में दिखाना है यहाँ पे, यानी इन्वेस्टमेंट यहाँ भी दिखाओगे, कितने की इन्वेस्टमेंट है हमारी, 40000 की, एक तो यहाँ दिखा देना, और एक करंट ईयर बैलेंस शीट में लेके जाओगे इन्वेस्टमेंट 40000 की, दोनों तरफ आप शो कर देना इसको, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अच्छा उसके बाद और तो यहाँ पॉइंट मैंने इसमें करा दिया, बाय वाले टू में, टू वाले बाय में लेंगे, तो मैं पहले पढ़ देता हूँ, मैं आपको लिख लूँगा, फिर आप वहाँ से देख, सेल टू सैलरी आएगा, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस आएगा, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा, टू रेंट आएगा, टू रिपेयर आएगा, सब आएंगे पाँचों पॉइंट, तो मैं लिख लेता हूँ, तो आप बुक में देखते रहेंगे, देखिए मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, टू सैलरीज एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे, सैलरी 2010, सैलरी के बाद क्या लेंगे, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये दे रखे हैं 8600, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1720, टू रेंट, रेंट दे रखा है 1660, रेंट के बाद टू रिपेयर, रिपेयर 450, मैंने यहाँ तक पॉइंट सारे कर दिए आप, ठीक है। उसके बाद एक सारा बिल्डिंग परचेज, ये असेट्स होता है, एक गवर्नमेंट बॉन्ड है, ये भी असेट्स होता है, दोनों असेट्स हैं, दोनों आप करंट ईयर बैलेंस शीट में ले जाना, बिल्डिंग तो बिल्डिंग में ऐड कर देना, बिल्डिंग पहले भी है, इसके साथ और आ जाएगी। परचेज किया आपने, कितनी परचेज की है, 30000 की, टोटल बिल्डिंग आपकी कितने की हो जाएगी, 70000 की हो जाएगी। उसके बाद फिर फर्नीचर, ये आपका गवर्नमेंट बॉन्ड है, ये अलग से दिखा दीजिए, असेट्स है ये भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमें दे रखे हैं इसके अंदर 5000 के दे रखे हैं, ठीक है, ये पॉइंट आपके हो गए। अच्छा इधर आ जाते हैं, टू वाली बाय, टू वाले में कहाँ दिखाते हैं, बाय में सब्सक्रिप्शन में दिखा चुका हूँ, डोनेशन दिखाऊंगा, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो दिखाऊंगा, पहले दो आइटम दिखा रहा हूँ मैं, ये अमाउंट 6000 दे रखा है, 1620 दे रखते, डोनेशन है, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, तो बाय डोनेशन और बाय प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, तो डोनेशन हमें दे रखी है इसके अंदर 6000, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो दे रखी है 1620। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सेल ऑफ फर्नीचर, अब सेल 4000 का कितने में सोल्ड करा, 1600 में सोल्ड करा, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, लॉस लॉस है आप एक्सपेंडिचर में दिखाओगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, क्योंकि असेट्स के अंदर हम देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो लॉस हुआ है 2400 का,
और जो उसकी बुक वैल्यू है ना, बुक वैल्यू क्या थी उसकी, 4000 थी, वो फर्नीचर में से लेस हो जाएगी। लेस यहाँ पे सेल की 4000 यहाँ लेस कर दीजिए, फर्नीचर आपका कितना रह जाएगा, 6500 का रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 6500 का। ये फर्नीचर आप दिखा के चलोगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है लाइफ मेंबरशिप फीस। अब ये तो लाइबिलिटी होती है, क्या होती है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में आप इसको ऐड करोगे, लाइफ मेंबरशिप पहले भी है, 9000 और ऐड कर देना, टोटल आपकी कितनी हो जाएगी, 24000 की हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट आपका आ रहा है कि जो कार थी ना वो सेल कर दी, कार हमारे पास थी, याद है कार कितने की थी, वो जो कार ने ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाई थी 25000 की, ये ना सेल कर दी, कितने में सेल कर दी, 20000। बुक वैल्यू क्यों नहीं दी, क्योंकि कार का कोई टुकड़ा थोड़ी बेचेगा, कार तो पूरी होगी ना, तो बुक वैल्यू खुद मान लेंगे कि बुक वैल्यू उसकी 25000 थी। 25 का कितने में सोल्ड करा, 20 में, 5000 का तो लॉस दिखा दो, टू लॉस ऑन सेल ऑफ कार, कितना लॉस हुआ, 5000 का। और जो उसकी बुक वैल्यू है वो कार में से आप क्या करोगे, लेस करोगे, कार पूरी की पूरी चली जाएगी आपकी, पूरी 25000 की, अब कार का कोई बैलेंस आपके पास नहीं होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। कार तो पूरी जाएगी ना, और उसका लॉस आप यहाँ दिखा दीजिए, कितना लॉस हुआ, 5000 का लॉस हो गया। तो ये क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया आपका। अब इसका टोटल करेंगे, यहाँ से क्या निकलता है बताओ, कैपिटल फंड यहाँ निकालेंगे, कैपिटल फंड निकालेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास अब ये हो गया, टोटल करेंगे तो 1246000, यहाँ भी क्या लेंगे, 1246000 लेस करेंगे 15000, तो ये आएगा 1096000। फिर कैपिटल फंड को आगे ले जाएंगे यहाँ पे, 1096000, फिर यहाँ से क्या निकलता है, सरप्लस निकलता है, टू सरप्लस, सरप्लस हमारा आएगा 22230, टोटल कर देंगे, टोटल हमारा बन जाता है 77100, यहाँ भी आएगा 77100। फिर कैपिटल फंड को आप सरप्लस को कैपिटल फंड में क्या करते हो, ऐड करते हो, यहाँ पे ऐड कर देना, सरप्लस कितना ऐड करेंगे इसके अंदर, 22230, ये हमारे पास आ जाएगा 131830 आ जाएगा। फिर ओवरऑल इसका टोटल करेंगे तो टोटल हमारा बन जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 156630, यहाँ भी आ जाएगा 156630। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो एक तो आज जो क्वेश्चन मैंने कराया, एक तो आपको 17 करना है, ये जो कर लेंगे क्वेश्चन, एक मैंने कौन सा कराया, 27 27 तो ईजी है, 17 के बारे में थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो एक बार 17 क्वेश्चन आप एक्सरसाइज का देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको साथ साथ थोड़ा सा कि कैसे करना, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, वैसे मुश्किल नहीं है, इजी है, तो एक बार देख लेंगे 17 क्वेश्चन कैसे करना। ये क्वेश्चन है जी आपका, फ्रॉम द फ्लोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब प्रिपेयर है, क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में, कैश का क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन में 3200 आपकी लास्ट ईयर की है, तो ये आउटस्टैंडिंग है, ध्यान रखना लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लेस होती है, इसको लेस कर देना। और रेंट में भी 900 आपका कौन से ईयर का, लास्ट ईयर का, ये भी आउटस्टैंडिंग रेंट है लास्ट ईयर का, ये भी लेस होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या करेंगे, इसको भी लेस करेंगे रेंट में से यहाँ पे, और लाइबिलिटी में आएगा, ध्यान रखना ये आपके असेट्स में आएगी। सब्सक्रिप्शन ये करंट ईयर की आ गई, जिसको आप ऐड करोगे, 4500 आप ऐड कर देना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर ये ऐड हो जाएगी। अब लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, रेंट भी आउटस्टैंडिंग दे रखा है, देखो मार्च का ये करंट ईयर का रेंट है, ये आप लेस करोगे 900, ये आप क्या करोगे ऐड करोगे 1000, लाइबिलिटी में शो करना, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाना, और रेंट के अंदर पॉइंट कर देना, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस होती, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, सब्सक्रिप्शन के अंदर भी पॉइंट हो जाएगा। आप सब्सक्रिप्शन के अंदर पॉइंट एक और भी दे रखा है, इसके अंदर कह रहा है कि 600 एक ना कोई रिसीव्ड इन एडवांस है सब्सक्रिप्शन, ये आपकी करंट ईयर एडवांस है, तो उसको तो करंट ईयर बैलेंस शीट में दिखाना, लाइबिलिटी में इसको भी लेस करना, क्या करोगे इसको भी लेस, जो 600 है वो भी इसमें से लेस कर देना 40000 में से। उसका एक पेमेंट फॉर स्टेशनरी इज ड्यू, ये भी आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी है, ये जो स्टेशनरी दे रखी है ना आपकी यहाँ पे, उसके अंदर ऐड कर देना, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर है ध्यान रखना, जो करंट ईयर के साथ दे रखी है ना इन्फॉर्मेशन आपकी, और लाइबिलिटी में दिखा देना, कहाँ दिखाओगे लाइबिलिटी में। उसके बाद कहता है एक चार क्लब के लैंड लैंड कितने की थी, ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देना, फर्नीचर भी दोनों तरफ आ जाएगा, ओपनिंग में भी आ जाएगा और क्लोजिंग में भी आ जाएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं, टू सैलरीज, टू रेंट, टू स्टेशनरी, टू पोस्ट, बाइसिकल असेट्स होता है, ध्यान रखना गवर्नमेंट बॉन्ड भी असेट्स होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड भी क्या होता है, असेट्स होता है, इधर आ जाते हैं। तो बाय सब्सक्रिप्शन मैंने बता दिया, बाय इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, ये 6000 दिखाना, और जो इन्वेस्टमेंट है ना ये कॉस्ट दे रखी है, इसको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देना 50000,
ये इन्वेस्टमेंट थी, इसका इंटरेस्ट आपका कितना आया, 6,000 आया हुआ है, तो बाय बैंक इंटरेस्ट आ जाएगा। सेल ऑफ नेचर में हम देखते हैं प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ, लॉस हुआ, तो 5,000 का कितने में सोल्ड करा, 2,400 में, तो 2,600 का लॉस होगा। लॉस तो आप एक्सपेंडिचर में दिखाओगे, और जो बुक वैल्यू है वो आप फर्नीचर में से लेस करोगे। फर्नीचर में से क्या करोगे लेस, जैसे फर्नीचर आपका दे रखा था ना, कितना था, 15,000 का, इसमें 5,000 आपका लेस हो जाएगा, 10,000 का रह जाएगा। और लाइफ मेंबर फीस आपकी लाइबिलिटी होती है, क्या होती है लाइबिलिटी, इसको लाइबिलिटी में दिखाना, करंट ईयर बैलेंस शीट में। तो ये क्वेश्चन है जो आपको समझाना था, बताना था, तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, और 27 भी आप कर लेंगे। तो आज के लिए इतना। अब मेरे जो क्वेश्चन आपके साथ हो चुके हैं टोटल मिला के, अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन मेरे जो हुए हैं, जो मैंने कंप्लीट करा दिए, आज के क्वेश्चन इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, अब आपका यहाँ तक 33 तक आपका चैप्टर हो चुका है, यानी 1 to 33 तक मैं सब क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। अब 2-3 दिन का चैप्टर बचा हुआ, 34 से कल हम स्टार्ट करेंगे, 34 क्वेश्चन से, तो ये हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना करें।